क्या होता है एक्सीलरेशन? वही बात वापस से. इट इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ पार्टिकल्स वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम एट दैट इंस्टेंट. इट इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट दैट इंस्टेंट. इट इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. इट इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट दैट इंस्टेंट. द एक्सीलरेशन ए इज इक्वल टू डीवी बाय डीटी. कितनी बार लिखें आता है ये हमको, या फिर क्या लिख सकते हैं, डी बाय डी टी ए ओमेगा कोस ओमेगा टी प्लस फाइव. अभी तो निकाला था वी, यही तो था वी इक्वल टू ए कोस ओमेगा टी प्लस फाइव. कर दो डिफरेंशिएट, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, यही मिलेगा. कोस का हो जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, माइनस बाहर आ गया, और ओमेगा टी क्या करेंगे तो ओमेगा बाहर आ जाएगा. दिस इज द एक्सीलरेशन, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए. व्हाट इज दिस? दिस इज इक्वल टू एक्स ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव. क्या था ये? ए. तो ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स. ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स. ठीक है, नेगेटिव साइन जो है यहां पे ये शो करता है कि एक्सीलरेशन इज ऑलवेज टूवर्ड्स द मीन पोजिशन. जब रिस्टोरिंग फोर्स मीन पोजिशन की तरफ है, इसका मतलब नेगेटिव पार्ट क्या बता रहा है एक्सीलरेशन का? द एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल ऑलवेज टूवर्ड्स द मीन पोजिशन. एट मीन पोजिशन एक्स इज इक्वल टू जीरो. मीन पोजिशन पर क्या हो जाएगा? ए मिनिमम हो जाएगा बिकॉज एक्स इज इक्वल टू जीरो. लिख लो, एट मीन पोजिशन एक्स इज इक्वल टू जीरो, वहां पर एक्सीलरेशन मिनिमम हो जाता है. और एट एक्सट्रीम पोजिशन, एक्सट्रीम पोजीशन पर ए जो है वो मैक्स हो जाता है क्योंकि एक्स इक्वल टू ए हो जाता है. समझ भी सकते हैं हम यहां से. एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है. और ये क्या करता है काम? ये पार्टिकल को वापस मीन पोजीशन की तरफ ले जाने की कोशिश करता है. वेलोसिटी बाहर जाती है, उसको इधर करने की कोशिश करती है. एक टाइम पर जाके एक्सीलरेशन बहुत मैक्सिमम हो जाता है, वहां वेलोसिटी को जीरो कर देता है. तो उसके लिए तो रिटार्डेशन का काम कर रहा है वेलोसिटी के लिए, ये उसको वापस इधर खींच रहा है. तो एक्सट्रीम पोजीशन पे ज्यादा होगा और ये रिटार्डेशन का काम करता है किसी पार्टिकल के लिए, और उस पार्टिकल की वेलोसिटी मैक्सिमम हो रही है, दैट मींस वहां पर पार्टिकल का एक्सीलरेशन जीरो है. यानी मीन पोजीशन पर वेलोसिटी मैक्सिमम है तो ये मिनिमम है. इतना से याद रखना है, मीन पोजीशन पर वेलोसिटी मैक्सिमम है, एक्सीलरेशन मिनिमम है, और एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी मिनिमम है तो एक्सीलरेशन मैक्सिमम है. अगर एक्सीलरेशन का और डिस्प्लेसमेंट का हम ग्राफ बनाए, लिखो ग्राफ ऑफ एक्सीलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट. ग्राफ ऑफ एक्सीलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट कैसा ग्राफ बनना चाहिए बताओ. ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, दिस इज द कॉन्स्टेंट. ए इज प्रोपोर्शनल एक्स, वाई बराबर एम एक्स वाला कोई फीलिंग आ रही है क्या? सीधी सी बात है, स्ट्रेट लाइन बनेगा. स्ट्रेट लाइन बनेगा, कहां से शुरू होगा? नेगेटिव से. इधर ये मीन पोजीशन है, यहां पे जीरो हो जाएगा. ये माइनस ए एम्पलीट्यूड है, ये प्लस ए एम्पलीट्यूड है.
एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर ए. ऐसा ग्राफ बनेगा इसका. ठीक है, बाकी हम फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे. एक क्वेश्चन कर लेते हैं, तब तक लिख लो. एक क्वेश्चन लिखो. द इक्वेशन ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM. द इक्वेशन ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM इज x इज इक्वल्स टू फाइव एम साइन पाई प्लस पाई बाई थ्री. ये टी है. ये इक्वेशन दी हुई है. राइट डाउन द एम्पलीट्यूड time of time period and maximum speed. Write down the amplitude, time period and maximum speed. Also find the velocity at t equals to 1 second. तीनों चीजें हमको बतानी है यहां पर. निकाल देंगे भाई. पहले equation लिख लो. a sin ओमेगा टी प्लस फाइव. कंपेयर कर लेते हैं. ए इज इक्वल्स टू फाइव एम. यहीं से पता चल रहा है कि एम्पलीट्यूड कितना है, फाइव एम के बराबर है. टाइम पीरियड क्या होता है? टू पाई बाई ओमेगा. ओमेगा कितना दिया है? पाई. कितना दिया ओमेगा? 2 सेकेंड आ गया. द मैक्सिमम स्पीड. मैक्सिमम स्पीड क्या होती है सोचो. ये देखो यहां पे ओमेगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर मैक्सिमम स्पीड एक्स इज जीरो ओमेगा ए. ओमेगा कितना दिया है? पाई. और ए कितना है? फाइव. ये लो फाइव पाई मीटर पर सेकंड. बड़ा इजी इजी से क्वेश्चन है, कंपैरिजन से निकालना है. वेलोसिटी एट टाइम टी. तो सबसे पहले dx by dt क्या हो जाएगा? a ओमेगा साइन पाई टी यानी प्लस पाई बाय थ्री. वैल्यू पुट कर दो यार सीधी सीधी. एम्पलीट्यूड कितना है? फाइव पाई साइन पाई प्लस पाई बाय थ्री. फाइव पाई साइन पाई प्लस पाई बाय थ्री यानी कितना हो गया? फोर पाई बाय थ्री. साइन पाई प्लस पाई बाय थ्री चेंज ही कर देते ना इसको. किस में हो जाएगा? ये नेगेटिव आ जाएगा. माइनस साइन पाई बाय थ्री माइनस साइन पाई बाय थ्री. पाई बाय थ्री की वैल्यू कितनी होती है? माइनस साइन पाई बाय थ्री. माइनस फाइव पाई पाई बाय थ्री यानी हो गया 60 डिग्री. साइन 60 की वैल्यू रूट थ्री बाय टू. ये लो ये आंसर आ गया. ये गड़बड़ कर दी ना. यहां कोस आएगा ना. यहां कोस आएगा. कोस 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 कोस. तो कोस पाई बाय थ्री वन बाय टू ये आ जाएगी वेलोसिटी. माइनस